शहर के निकटवर्ती ग्राम पीपली का बाड़िया जिला राजसमंद में मंगलवार दोपहर में एक व्यक्ति द्वारा कार में लिफ्ट लेकर कार में सवार पिता पुत्र के साथ मारपीट करने तथा लूट का मामला सामने आया है। मारपीट की घटना में घायल पिता पुत्र अपने स्तर पर ब्यावर पहुंचे था, उपचार हेतु राजकीय अमृतकुंज चिकित्सालय में भर्ती हुए। जानकारी मिली है कि प्रकरण में लुटेरे पिता पुत्र से 2 लाख रुपए की नकदी तथा सोने की चेन तोड़कर ले गए। घटना में 3-4 लोगों के शामिल होने की जानकारी मिली है। हालांकि अस्पताल में भर्ती दोनों पिता पुत्र उक्त प्रकरण को लेकर मीडिया से बचते रहे। उन्होंने इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी देने से मना करते रहे। अस्पताल कर्मियों की समझाइश के बाद उन्होंने फौरी तौर पर घटना के बारे में बताया। जानकारी के अनुसार आमेर निवासी 46 वर्षीय रोशन पुत्र सोहनलाल सोनी मंगलवार को अपनी कार में सवार होकर आमेर से बदनोर की ओर जा रहे थे। इस दौरान उनकी कार में उनके साथ 2 लाख रुपए की नकदी थी। बदनोर जाने के दौरान जब वे पीपली का बाड़िया से गुजर रहे थे तो रास्ते में मौजूद एक व्यक्ति ने उनसे आगे जाने के लिए लिफ्ट मांगी। बताया जा रहा है कि पिता पुत्र कार लेकर थोड़ी ही दूरी पर पहुंचे थे कि रास्ते में एक सुनसान जगह पर सामने आकर एक कार रुकी। कार में 3-4 लोग सवार थे। कार से उतर ही सभी लोग कार की फाटकी खोलकर पिता पुत्र को बाहर निकाला तथा दोनों के साथ मारपीट करने लगे। जानकारी मिली है कि कार में लिफ्ट लेकर बैठा व्यक्ति भी मारपीट में शामिल हो गया। मारपीट की घटना में हमलावरों ने कार में रखी 2 लाख रुपए की नकदी तथा पिता पुत्र के गले में पहनी सोने की चेन तोड़कर ले गए। घटना के चरण दरे सहमे पिता पुत्र मौके से भागते हुए राजमार्ग पर पहुंचे था। एक ट्रक में सवार होकर ब्यावर पहुंचे था। एकेच में उपचार हेतु भर्ती हुए। उधर आमेर थाना क्षेत्र में घटित उक्त घटना की जानकारी मिलने पर बाढ़ चौकी के एक पुलिसकर्मी ने अस्पताल पहुंचकर घटना के संबंध में पीड़ितों से जानकारी ली।